हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान से गुजरात जा रही 50 लाख की शराब बरामद, मावल चौकी पर रीको पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कंटेनर में हरियाणा से गुजरात के गांधीधाम ले जाई जा रही शराब की खेप, कंटेनर चालक को किया गिरफ्तार। गुजरात से सटी मावल चौकी पर रीको पुलिस को नव वर्ष में पहली बड़ी कामयाबी मिली। कंटेनर में गत्तों की आड़ में छिपाकर हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही शराब की खेप बरामद की। पुलिस ने अंग्रेजी शराब के विभिन्न ब्रांडों के 570 कार्टन बरामद किए, साथ ही कंटेनर चालक को गिरफ्तार किया। बरामद की गई शराब का मूल्य 50 लाख रुपए आंका गया है। एसपी हेमंत अविलाश डाक के निर्देश पर गुजरात राज्य में अवैध मादक पदार्थों व शराब की तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत एएसपी मिलन कुमार जोहिया, डीएसपी प्रवीण कुमार के सुपरविजन व रीको थाना अधिकारी राण सिंह सोड़ा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम में हेड कांस्टेबल देवाराम मीना, भवानी सिंह आदि को शामिल किया गया। टीम की ओर से मावल चौकी पर गुजरात जाने वाले वाहनों की रोक कर जांच की जा रही है। इसी दौरान हरियाणा की तरफ से आ रहे कंटेनर को रोका गया। कंटेनर की जांच करने पर गत्तों की आड़ में छिपाकर गुजरात के गांधीधाम ले जाए जा रही विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब के 570 कार्टन पाए गए। पुलिस ने कंटेनर चालक सीकर निवासी रामकरण को गिरफ्तार कर लिया। बरामद की गई शराब का मूल्य करीब 50 लाख रुपए आंका गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए हेमंत अभिलाष टांक एसपी सिरोही, इन्होंने ये कहा। रिको पुलिस थाना आबरोड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर को जब्त किया, जिसमें 570 कार्टून अवैध शराब के मिले और एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। यह शराब हरियाणा से गुजरात जा रही थी। इसके बारे में विस्तृत और गहन अनुसंधान कर अंतिम कड़ी तक इसमें पहुंचा जाएगा। मुलाजमानों को जिन्होंने कार्रवाई की है उसमें पुरस्कृत किया जाएगा। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।